तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। किसी भाई ने मुझे एक ख्वाहिश जताई थी कि सर आप जो है डीप फ्रीजर का एक रिव्यू लेकर के आई है, तो मेरे सामने दोस्तों उन्हीं की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए आज के रिव्यू के अंदर मैं बात करूंगा। तीन जो है मेरे सामने आपको देख रहे हैं फ्रीजर्स जो कि अलग अलग साइज़ के हैं। सामने की साइड में आप देख सकते हैं 500 लीटर की रेंज के अंदर आता है, और ये इधर देख रहे हैं ये भी आप 500 लीटर की रेंज में आने वाला है, और उधर साइड में जो आता है वो भी 300 लीटर की रेंज में आने वाले ब्लू स्टार कंपनी के यहाँ पर तीन फ्रीजर मेरे सामने रखे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए पास चल करके हम जानकारी ले लेते हैं इन फ्रीजर्स के बारे में कि इनकी क्या कीमत है, साथ ही इनके ऊपर आपको क्या वारंटी मिलती है और क्या इनके फ़ीचर्स रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाइट कलर के 500 लीटर के अंदर आने वाले फ्रीजर के बारे में, जिसके अंदर आपको कॉम्बो फंक्शंस मिल जाता है। कॉम्बो का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप जो है एक पार्ट जो है इसका यहाँ पर इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलता है फ्रीजर का ऑप्शन, यानी कि आप यहाँ पर फ्रोजन आइटम जो है वो रख सकते हैं इस साइड में। काफ़ी बेहतरीन आपको इसका इनसाइड जो है व्यू देखने के लिए मिलेगा, और फ्रीजर की यहाँ पर बैजिंग भी की गई है, यानी कि आप यहाँ पर जो है फ्रीजर वाले जो आइटम है जिनको कि आपको बर्फ़ जमाना है, आइसक्रीम जमानी है, उन चीज़ों को आप यहाँ पर इतने बड़े सारे एरिया के अंदर रख सकते हैं। 500 लीटर के रेंज के अंदर आता है ये वाला, और इस साइड में आपको मिलता है इसका चिलर वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आप जो है आपके जो कोल्ड ड्रिंक है, दूध है, छाछ है, मट्ठा है, इस तरह की चीज़ों को आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस ऐसा है कि जहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक भी रखनी पड़ती है, आइसक्रीम भी रखनी पड़ती हैं, तो आपके लिए ये जो फ्रीज़र है काफ़ी बेहतरीन साबित होता है। साथ ही दोस्तों ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको रैक भी दी गई है इसके अंदर, जिसके अंदर आप जो है अपने जो छोटी छोटी बच्चों की आती हैं पेप्सी वेप्सी आती हैं, इस तरह की चीज़ों को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। छोटी छोटी चॉकलेट्स वगैरह आती हैं उनको भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इस तरह की ये आपको यहाँ पर स्लाइड करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे कि आप अगर इस साइड में कुछ रखा है तो आप इसको स्लाइड करके यहाँ पर आसानी से निकाल सकें। इस फ्रीजर के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर मैनुअल मिलेगा, जिसके अंदर आप तमाम सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हैं। इसके अगर हम मॉडल की बात करें तो इसका जो मॉडल है वो है CHF K300A, ये वाला मॉडल है, और यहाँ पर आपको CHF K500A, यानी कि ये दो तरह के मॉडल है। जहाँ पर आपको 500 लीटर की हम बात कर रहे हैं तो 500 लीटर का मॉडल ये है, और ये 300 लीटर में आता है उसका मॉडल आपको ये देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसके अंदर आप तमाम सारी डिटेलिंग्स को पढ़ सकते हैं। इसको रखते हैं हम यहाँ पर, काफ़ी बेहतरीन इसकी इनसाइड की बॉडी है, आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, इस तरह की इसकी बॉडी है। और यहाँ पर हम साइड की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ब्लू स्टार की बेजिंग मिलती है, और यहाँ पर जो है इसके आपको कंट्रोल करने के स्विचेज मिल जाते हैं, जो कि आपको इसके रन है, पावर है, फ्रीज है, फ्रीजर है, इस तरह की जो भी आप सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका थर्मोस्टेट का नॉब भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। 3 साल की आपको कंप्रेसर के ऊपर वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से, और प्राइसिंग के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसकी प्राइस पड़ेगी 43,700 रुपये लोटस के ऊपर। वैसे इसकी जो कंपनी प्राइस है वो है 46,400 रुपये, आप इसको खरीद सकते हैं 43,700 रुपये में। और अगर आपके पास में इतना बजट नहीं है तो आप इसको EMI के ऊपर भी परचेज कर सकते हैं। 3,642 रुपये की 8 EMI के ऊपर आप इसको परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगभग 2,700 रुपये की यहाँ पर बचत हो रही है। तो दोस्तों एक बार और देख लीजिएगा आप 500 लीटर के कैपेसिटी के अंदर आने वाले इस ब्लू स्टार फ्रीजर को, जो कि कॉम्बो के नाम से आता है। अब हम बात करेंगे इसी के साइड में रखे हुए एक ब्लू स्टार के दूसरे 300 लीटर के अंदर आने वाले फ्रीजर के बारे में, जिसके अंदर आप जो है चिलर, यानी कि आप यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमा पाएंगे, आप यहाँ पर ठंडा ही रख पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो सबसे पहले आप टॉप देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपको जो है इसका टॉप दिखाई देता है, जहाँ पर आपको इसकी कीमत भी मिल जाएगी। तो कीमत देख लेते हैं सबसे पहले, इसकी कीमत है 26,100 रुपये। 27,000 रुपये की कीमत की चीज़ आपको 26,100 रुपये में मिलेगी। आप इसको 2,166 रुपये की EMI के अंदर भी परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अंदर की। यहाँ पर आपको लॉक लगाने का प्रोविज़न मिलता है, यानी कि आप लॉक लगा सकते हैं। लॉक तो खैर आप हर फ्रीजर के अंदर लगा पाएंगे। तो कुछ इसकी जो बॉडी है अंदर की साइड से आपको इस तरह की दिखाई देती है, जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं कि आपको क्या करना है, डूज एंड डोंट्स के सारे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो चिल्लर है इसकी बॉडी, इसकी आपको इस तरह की यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर भी आपको एक स्लाइडिंग ट्रे मिलती है, जिससे कि आप अपने सामान को ईजिली निकाल सकें। अगर आपको इधर उधर कभी स्लाइड करके निकालना हो कुछ सामान, तो मैनुअल आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसका जो मॉडल नंबर है, इसका जो मॉडल नंबर मिलेगा आपको CHB K300SSB, इस तरह के आपको यहाँ पर मॉडल मिल जाएंगे, यानी कि 2-3 मॉडल के अंदर ये जो है आपको चिलियर अवेलेबल होता है। अगर हम साइड की बात करें यहाँ की,
तो यहाँ पर भी आपको जो है नीचे की साइड में इसके अंदर कंट्रोल के स्विचेज मिल जाते हैं, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रीन और रेड यानी कि आप पावर को ऑन करेंगे तो रेड, मतलब ऑन करेंगे तो ग्रीन रहेगा और ऑफ़ कर देंगे तो रेड, इस तरह की आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई देता है। और ब्लू स्टार की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलेगी, साथ ही आपको यहाँ पर भी 3 साल की कंप्रेसर की ऊपर जो है वारंटी मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का था ये 300 लीटर के अंदर आने वाला हमारा चिलर। अब हम बात करते हैं अगले मॉडल की, जो कि हमारा, हमने बात कर ली 500 लीटर के कॉम्बो की, अब हम बात करेंगे एक और चिलर के बारे में। ये हमारे सामने देख सकते हैं आप, येलो कलर का एक चिलर फ्रिज है जिसके अंदर आप जो है चिलर यानी कि आप जमा नहीं सकते हैं, आप यहाँ पर ठंडा रख सकते हैं। खास बात यह है इस वाले फ्रिज की कि आपको यहाँ पर डबल डबल डोर मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो कैपेसिटी है वो अंदर की साइड में बढ़ जाती है। चलिए खोलते हैं इसके हम गेट को यानी कि इसके ढक्कन को। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इसका जो है अंदर का व्यू दिखाई देता है, और ये रुक जाते हैं अपने आप से, आपने इनको खोला तो, और इसको भी हम खोल लेते हैं। तो अंदर का व्यू जो है आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है इस फ्रीज़र का, जहाँ पर आपको यहाँ पर भी स्लाइड करने वाली एक रैक मिल जाती है, जिसके अंदर आपने अगर चॉकलेट वगैरह रखी हैं या और कोई छोटा मोटा आइटम रखा है, तो अगर आपको नीचे से कुछ सामान निकालना है तो आप इसको भी स्लाइड करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सेपरेशन थोड़ा सा मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी कई ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं जिनको कि आप दूसरी चीज़ों से अलग रखना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ माजा वगैरह हो गया या ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पर रख सकते हैं, चॉकलेट्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं और बाकी चीज़ों को जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा सारा यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है। तो इस तरह का ये फ्रीज़र है। अब इसको करते हैं बंद। इसकी कीमत के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, इसकी कीमत आपको जो पड़ेगी वो पड़ेगी 32,900 रुपये के आसपास, यानी कि आप इसको 2741 रुपये की ईजी एमआई के ऊपर भी परचेज़ कर सकते हैं। वैसे इसकी जो कंपनी प्राइस है वो है 34,000 रुपये के आसपास। तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है हमें ये फ्रीज़र यहाँ पे। इसके ऊपर भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से, और ब्लू स्टार की बैजिंग है, साथ ही आपको नीचे जो है कंट्रोल स्विचेज जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं ग्रीन और रेड लाइट के साथ में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे जो है तीनों ही फ्रीज़र इस तरह के, और मैंने आपको यहाँ पर तीनों ही फ्रीज़र के बारे में जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी जानकारी अच्छी लगेगी। जो लोग हमारे दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये जो फ्रीज़र है काफ़ी काम के होते हैं। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा छोटे साइज़ के आने वाले फ्रीजर्स के बारे में। फिलहाल ये जो थे हमारे सामने 500 लीटर के आसपास के रेंज में आने वाले फ्रीजर थे। तो दोस्तों इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं समाप्त, और फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।